हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एक ट्रिक कि आपने अगर टू डिजिट नंबर हो आपके पास और 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करेंगे विदाउट मल्टीप्लिकेशन, एक ट्रिक से। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग पहले छोटा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 हो आपके पास और 11 से मल्टीप्लाई करना हो, ये तो सबको ही पता है कि 4 11 से कितना होता है 44। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए 52 ले लेते हैं, ठीक है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके लिए 52 है, आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 5 और 2 को, दोनों को प्लस करें, ये दो एक नंबर है 52, उसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो नंबर है ना इसके दोनों डिजिट्स को प्लस करें, तो प्लस करके क्या आ रहा है, 5 में 2 प्लस करें 7 आ रहा है, 7 आ गया। आपने आंसर में क्या लिखना है, ये मैं आंसर लिखने लगी हूँ, देखें 52 से मल्टीप्लाई करें आप 11 को, तो आप यहाँ पे 5 लिखें, सेंटर में एक ब्लैंक छोड़ दें और 2 को यहाँ पे लिखें, और आपने इधर जो लिया था 5 और 2 को प्लस करके क्या आ रहा है आपके पास 7, वो ब्लैंक के अंदर लिख लें, ठीक है। तो हमारे पास 52 मल्टीप्लाई बाई 11 के आ गया 572, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड हो गया फाइंड आउट करने का। इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं, उसको भी 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 63 लेते हैं, ठीक है, और 11 से मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, देखें 63 है, फिर से वही रूल वही है, ठीक है, आपने 6 में क्या कर देना है, 3 को प्लस कर देना है, तो 6 में 3 प्लस करके क्या आ जाएगा 9। अब आप क्या कर रहे हैं, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करवाने, तो आपने क्या करना है, 6 सेंटर में ब्लैंक और 3 इधर, और आपने अभी क्या किया था, 6 में 3 को प्लस किया था, वो आंसर क्या आया था 9, वो सेंटर में लिख लें जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। इसी तरह एक और नंबर का लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, 97 ले लेते हैं, ठीक है, 97 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, 97 है, 9 में 7 प्लस करें यहाँ पे, तो देखिए 9 में 7 प्लस करके हमारे पास क्या आता है 16। तो आपने क्या करना है, 97 है, 9 यहाँ पे लिखें, सेंटर में ब्लैंक और यहाँ पे 7, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास आ गया 16, आपने जो ब्लैंक है उसमें सिंगल डिजिट ही लगाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते टू डिजिट जो 16 आए वो दोनों ही इधर लगा दे, आपने क्या करना है, सिर्फ 6 यहाँ पे और 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 का 7 वैसे ही लिखेंगे, 6 का 6 लिखेंगे, 9 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 1067 आ गया, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया अब कि अगर ऐसा आ जाए, मतलब दो डिजिट्स यहाँ पे प्लस करने से आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे कैरी दे देना है और उसको प्लस कर देना है, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कोई भी टू डिजिट्स नंबर है उसको हम 11 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये ट्रिक आप यूज़ करें और आपके लिए इजीली आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।